मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा दावा किया है और उनके द्वारा बड़ा दाव चल रहा है। कमलनाथ ने किसानों को खुश करने वाली घोषणाएं की है। वहीं कमलनाथ को पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के साथ कमलनाथ ने जो कहा है उससे पहले मध्य प्रदेश की जो सियासी बाजी है वो पलटती हुई दिखाई दे रही है। कमलनाथ ने कहा कि हम मध्य प्रदेश में किसान न्याय योजना लेकर आएंगे और इसी के साथ खेती के लिए किसानों को 12 घंटे तक लगातार बिजली उपलब्ध कराएंगे। कांग्रेस की सरकार आई तो कर्ज माफी की योजना भी जारी रहेगी। किसानों को 5 HP तक मोटर पंप की बिजली मुफ्त होगी और इसी के साथ और आगे कहा कि किसानों के पुराने बिजली बिल के साथ माफ होंगे और इसी के साथ किसानों को जो लगातार बिजली दी जा रही है वो भी दी जाएगी। आंदोलन के दौरान जो केस दर्ज हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे। कांग्रेस जो है ये लगातार वादे करती हुई दिखाई दे रही है। इसी बीच कमलनाथ के द्वारा ये घोषणाओं पर बीजेपी ने तंज कसा है। भाजपा की झूठी घोषणाएं, किसानों को कैसे धोखा दिया, हमेशा कहते रहे कि खेती का को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे, प्रदेश के किसानों की आय कम हुई। इतिहास न्याय का रहा है वो न्याय योजना की बात कर रहे हैं। जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया और अन्याय किया वो न्याय की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, आप तो बड़े संस्कृति ज्ञाता थे कि किन लोगों के उसमें आके आप ऐसी घोषणाएं कर गए? आपको मालूम है कि नहीं आप जो घोषणाएं कर रहे हैं उनका क्या परिणाम है और काय बात की है और कैसी है वो? अरे जो आपने घोषणा की है 5 HP की पंप की किसानों के माफ करने की, उसका 92% और 93% तो सब्सिडी पहले से ही सरकार दे रही है। मतलब 100 रुपया पे कुल 7 रुपया किसान दे रहा है, 8 रुपया दे रहा है। किसने ज्ञान दिया आपको? और आप क्या समझते हो मध्य प्रदेश का किसान आपको समझता नहीं है? धन्यवाद दो कमलनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपके द्वारा डिफॉल्टर किए गए किसानों को 2200 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके खाते में पैसा डाल करके उन किसानों के जीवन में खुशी लाने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।